det er høj, høj. Høj, 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 høj. Vi ser bilder i bagbrudet. मोदी सरकार जो तीन किसान विरोधी बिल ले आए, ये जो तीन कानून अदानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को लूट के लिए खुला छूट देने वाले कानून हैं। किसान मांग रहे थे उनके फसल के लिए स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के तहत उत्पादन खर्च से डेढ़ गुना दाम, उस पर बिल्कुल चुप्पी इस सरकार का रहा है। और ये जो कानून ले आए इसमें मंडी खत्म करने का और ग्रेजुअली सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर उसको ख़त्म करने का, जमाखोरी और काला बाजारी को बढ़ावा देना और कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट खेती के ओर हमारा देश को ले जाने वाले हैं। तीन कानून किसान को बर्बाद करेगा, खेती को बर्बाद करेगा। और नरेंद्र मोदी जो अदानी अंबानी को पैसा में प्रधानमंत्री बना है उसको सेवा करने के लिए कानून बनाया, किसान के लिए नहीं बनाया। ये कानून बनेगा तो FCI खत्म हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगा। किसान से खरीद करने का जो मंडी था वो बंद होके अदानी अंबानी जो मंडी खुलेगा वहाँ चले जाएगा, वो खरीद कर लेंगे। पहले जो गोडाउन में रखने का सीमा था उठा दिया, अदानी अंबानी लाखों टन खरीद करके गोडाउन में रखेंगे, कालाबाजारी करके पैसे कमाएंगे। महिम राष्ट्रपति जी, आपसे हमारी अपील है कि जो मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ में तीन विधेयक पर साइन करने के लिए आपके पास भेजा है उनको आप लौटा दीजिए राज्यसभा को, उन पर साइन मत कीजिए। ये देश की तबाही का और किसानों की के साथ साथ यहाँ के मजदूरों, दुकानदारों, छात्र नौजवानों, गरीबों की तबाही का कहा जाए कि ये दस्तावेज है। ये भारत के करोड़ों करोड़ गरीबों के डेथ वारंट पर कहा जाए कि आप साइन करेंगे। इसलिए महामहिम जी, हम लोग हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप साइन नहीं करें। इन विरोधों को, इन विधायकों को आप लौटा दें, सरकार को लौटा दें। ये देश गुलाम हो जाएगा, कंपनी राज हो जाएगा, अडानी अंबानी का राज हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, सरकार अब जो है किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देगी, सरकारी रेट पर किसानों के अनाज की खरीद नहीं होगी, और ये जो है कॉरपोरेटों से खेती कराएंगे 5 साल के लिए जमीन लीज पर लेकर के, और जो है कॉरपोरेटों को लूट का, महंगाई बढ़ाने का, जमाखोरी करने का ये पूरा छूट देंगे। इसीलिए 1955 का जो आवश्यक वस्तु भंडारण कानून था उसको मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। आप कृपया इन बिलों पर साइन नहीं करें। सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जो किसान को तबाह कर देंगे, मजदूरों को तबाह कर देंगे, और जो कृषि जिनसों के व्यापारी हैं उनको तबाह कर देंगे और आम उपभोक्ता को तबाह कर देंगे। आज इसके खिलाफ पूरे देश भर का किसान सड़कों पर उतरा है। यहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों ने, सारे किसानों ने मिलकर, सारे संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन को जगह जगह सड़कों को जाम किया है, जो जगह जगह पुतले जलाए हैं, जगह जगह जुलूस निकाले हैं, और बहुत अब तक का एक साथ जो गुस्सा सामने आ रहा है इन कानूनों के खिलाफ वो इस बात का संकेत है कि निश्चित तौर पर सरकार ने ये पास तो ज़रूर कर लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का किसान, मजदूर और व्यापारी इन्हें अमल में लाने के लिए, अमल में आने नहीं देगा और आखिर तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये पूरे आज के इस आंदोलन से प्रकट हो गया है।